दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि फेसबुक से मोबाइल नंबर को डिलीट कैसे करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हो कि फेसबुक से हम अपने मोबाइल नंबर को कैसे हटा सकते हैं, तो गाइस आज के इस वीडियो को आप पूरा देखना। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको फेसबुक एप्लीकेशन ओपन करना है और इसके बाद यहाँ पर ऊपर की ओर थ्री लाइन पर क्लिक करने के बाद, जैसे दोस्तों यहाँ पर आप सेटिंग्स एंड प्राइवेसी ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फिर से आपको सेटिंग्स पर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर आपको पर्सनल एंड अकाउंट इन्फॉर्मेशन ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक आइडेंटी और इसके बाद यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट इन्फो ऑप्शन पर और इसके बाद यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट इन्फो ऑप्शन पर क्लिक करना है और जैसे दोस्तों आप इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप अपने मोबाइल नंबर को हटाना चाहते हो तो सिंपली आपको अपने मोबाइल नंबर पर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे की ओर सिंपली रिमूव ऑप्शन पर क्लिक करना है और जैसे दोस्तों आप रिमूव पर क्लिक करोगे और इसके बाद यहाँ पर आपको सिंपली इस ऑप्शन को टिक करने के बाद आपको जो है रिमूव नंबर पर क्लिक करना है और जैसे दोस्तों आप रिमूव नंबर पर क्लिक करोगे तो गाइस आपका मोबाइल नंबर फेसबुक आईडी से रिमूव हो जाएगा। इससे पहले आपको अपने फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड यहाँ पर आपको टाइप करना होगा। तो गाइस मैंने यहाँ पर अपने फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड टाइप कर लिया। इसके बाद फिर से आपको रिमूव फोन पर क्लिक करना है और इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही फेसबुक से आपका मोबाइल नंबर रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा जो है मोबाइल नंबर रिमूव हो चुका है। इसके बाद फिर से गाइस मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ और यहाँ पर फिर से इस ऑप्शन पर मैं क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो है मोबाइल नंबर यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। तो गाइस कुछ इस तरीके से आप फेसबुक से मोबाइल नंबर को आप डिलीट कर सकते हो। तो गाइस कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर देना।